हेलो एवरीवन, मैं आपको इस वीडियो में ऋषिकेश के हिडन कैफे के बारे में बताऊंगी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले चोटी वाला, ये राम झूला के पास आप जब ब्रिज क्रॉस करेंगे तो राइट हैंड साइड पे आपको ये दिख जाएगा। और अब हम एंटर करते हैं यहाँ पर। अब आप जैसे कि देख रहे हैं, अब ऊपर इधर से राइट साइड में आप देख रहे हैं जीने। तो अगर ऊपर आप सीटिंग लेते हैं, एसी की फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, नीचे एसी नहीं है। तो अगर आप ऊपर लेते हैं तो हर डिश पे आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और खाना तो अच्छा था, बट हमने जब खाना खा लिया उसके बाद हम जब बाहर आए तो देखा उसके बगल में ही एक और छोटी वाला है। तो हमें पता ही चला कि ये दोनों पहले सेम थे और बाद में अलग अलग हो गए। तो दोनों का खाना सेम है और अच्छा है। नेक्स्ट, लक्ष्मण झूला के पास बीटल्स कैफ़े है। बहुत फेमस कैफ़े है ये ऋषिकेश का। इनकी सीटिंग भी काफ़ी अच्छी है और व्यू भी बहुत अच्छा है। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ यहाँ से। बीटल्स कैफ़े में आप बर्गर और सैंडविच ले सकते हैं। मुझे ज़्यादा यही अच्छे लगे और कुछ ज़्यादा इतना मुझे खास लगा नहीं, ठीक ठीक था। तपोवन में मेन रोड पर ही एक इंडियन कैफ़े है। इसमें आपको साउथ की सारी डिशेस मिल जाएंगी और इंडियन फूड भी मिल जाएगा। तो ओपन है, रात में यहाँ पे आने में मतलब बहुत अच्छा है और खाना भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है यहाँ का। तो नेक्स्ट कैफ़े है मेरा फेवरेट, त्रिवेणी घाट में मरीन ड्राइव के पास हाइड आउट कैफ़े है। जैसे इसका नाम है वैसे ही ये रेस्टोरेंट है। काफ़ी हाइड है बट बहुत ही अच्छा है ये रेस्टोरेंट। खाना भी यहाँ का बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर आइए तो ब्राउनी विद आइसक्रीम बिना खाए तो जाइएगा मत, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और यहाँ पर सीटिंग भी बहुत ही अच्छी है, बट ये काफ़ी अंदर है तो आप गूगल पे इसकी लोकेशन चेक कर सकते हैं और आ सकते हैं। ये अंदर की सीटिंग है, अगर आप अंदर बैठना चाहें तो अंदर भी बैठ सकते हैं और आउटडोर की तो मैंने दिखाई दी है आपको। तपोवन में तत्व कैफ़े है, ये सबसे बेस्ट कैफ़े है आप ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा प्राइस भी है यहाँ पर और टेस्टी भी बहुत है। और इंडोर और आउटडोर दोनों सीटिंग मिल जाएगी आपको यहाँ पे। तपोवन में मेन रोड पे मुझे ये मिला है पिज़्ज़ा मेल, जो आप यहाँ पर पिज़्ज़ा मेल आपने खाया नहीं तो आप डोमिनोज पिज़्ज़ा हट सब भूल जाएंगे। और यहाँ पे इन्होंने ये छोटी सी वैन के अंदर ये हैंडमेड ओवन टाइप का बनाया हुआ है और उसी में बना रहे हो। पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी था, यू मस्ट ट्राई इट। इस वीडियो में मैंने आपको ऋषिकेश के बेस्ट कैफ़े के बारे में बताया है और सारे कैफ़े के फूड आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।